है कि रात को लोग न्यूट्रल गाड़ी चलाते हैं, लाइट तो जलती नहीं है, इसके कारण बहुत एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, इस पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसमें जो हमारे जागरूकता अभियान जो प्रत्येक माह के होते हैं उसका इसको पार्ट बनाते हैं, ये टू व्हीलर्स की ही समस्या है क्योंकि फोर व्हीलर्स में तो ये संभव नहीं है। और 800 मारुति, तो इसमें इसको हम एक जो हमारा अभियान चल रहा है इसका एक पार्ट बनाते हैं और जितने थाने चौकियाँ हैं उनको एक सामान्य निर्देश भी जारी कर देते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इसमें आज से 31 जुलाई तक एक सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि जो लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं उनकी एल्कोमीटर से ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग करने के लिए, और इसमें पुलिस ARTO ये साथ में रहेंगे और ये एक अभियान 1 महीने का। और इसके साथ ही जो नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल स्कूटर या फिर फोर व्हीलर भी चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में ये अभियान का पार्ट रहेगा। और इसमें आपके माध्यम से मैं बता दूं अगर नाबालिग जो है वाहन चलाते हैं तो इसमें बहुत बड़ी पेनल्टी है, 25,000 तक का जुर्माना है और 3 माह की सज़ा भी है पेरेंट्स को। तो इस ये भी अभियान का पार्ट है। इसके अतिरिक्त चंबा में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वहाँ वीकेंड्स पे या अभी टूरिस्ट सीज़न में कभी कभी जाम की समस्या आ रही थी खासकर धनौल्टी रोड पे, तो उस संबंध में जो नेक्स्ट वीक है अगले सप्ताह इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के उनके साथ एक मीटिंग जो है हम रख रहे हैं जिसमें उनकी बात भी सुनी जाएंगी, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे और वहाँ का एक माइक्रो ट्रैफिक प्लान बनाकर वहाँ पर लागू किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक ये भी शिकायत हमारे पास आई है, हमारे पास लिस्ट भी आ गई है कि कुछ होटल वाले हैं जिन जहाँ पे बैठ के लोग शराब पीते हैं वो शराब सर्व भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो इनकी लिस्ट आ गई, इनके खिलाफ़ भी आज से कार्रवाई शुरू हो रही है। नशे का जो सामान बेच रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 70-80 लोगों की जनपद की लिस्ट हमारे पास रेडी है, इनके खिलाफ़ भी आज से कार्रवाई शुरू हो रही है। और इसके अतिरिक्त जहाँ पे रैश ड्राइविंग या मतलब ओवर स्पीड का समस्या है वहाँ पे एक टीम जो है वो चिन्हित करेगी कहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाकर और उसको प्रयास किया जाएगा कि जो फास्ट ड्राइविंग या फास्ट स्पीड पे जो ड्राइव करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। चूँकि अभी टूरिस्ट सीज़न थोड़ा सा अब कम होगा क्योंकि जुलाई शुरू हो रहा है, तो जो अतिरिक्त पुलिस बल मुनि की रेती क्षेत्र में दिया गया था वो वापस पहाड़ के थानों में भेजा जाएगा जिससे कि यहाँ की यातायात व्यवस्था को और अच्छे से मैनेज कर सके और किसी को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े और इस तरीके के एक्सीडेंट्स भविष्य में ना हों। इसके अतिरिक्त सुरकंडा देवी जो हमारा मंदिर है वहाँ पर भी पिछले 2 माह से वीकेंड्स पर थोड़ी जाम की समस्या रही, तो उसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में जो भी श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिए तो गाड़ी चलाना जो है वो गैर कानूनी है, वो एक अपराध है मोटर व्हीकल एक्ट में। हाँ, अगर कोई नई गाड़ी खरीदता है तो एक समय अवधि होती है जिसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और तब तक उसको टेम्परेरी नंबर इशू होता है और टेम्परेरी नंबर डिस्प्ले करना वो जो है अनिवार्य है। और इस प्रकार की अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं थानों को, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की जाए। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? विभिन्न खासकर कॉलेजेस से हमारे टारगेट थे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है तो इसमें भी हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि जो न्यूट्रल पे गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी बंद होती है लाइट जलती नहीं है तो इससे एक्सीडेंट की संभावना होती है, अगर इस प्रकार की जो समस्या है इसके लिए जागरूकता करने की आवश्यकता है, वो हमारे जो जागरूकता के जो अभियान चलते हैं प्रतिमा इसको उसका पार्ट